हलचल टीवी न्यूज। यमुनानगर में पशु तस्करी को लेकर अब लोगों ने कानून को स्वयं हाथ में लेना शुरू कर दिया है। दरअसल रोजाना ही पंजाब से गाय भैंसों के ट्रकों को भरकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। ऐसे में कई वाहनों को पकड़ा भी गया है, लेकिन तस्करी के काम में कमी नहीं आ रही। ऐसा ही मामला देर रात भी सामने आया, जब एक ट्रक के ऊपर नीचे दो जगह सैकड़ों भैंस भरे हुए थी। इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ट्रक को पुलिस से बचाते हुए ट्रक को रेस्ट हाउस के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा। तभी लोगों की भीड़ ने ट्रक को पकड़ लिया और चालक की जमकर धुनाई की। इन लोगों की भीड़ में से पुलिस ने तीन युवकों को भी हिरासत में ले लिया है। एक ने 1000 लिए जी, एक ने 5000 लिए जी। क्या क्या के? वो बोल रहे जी क्या है इसमें, मैं कटड़े वैसे आया जी, बोला बंद कर गाड़ी, अब तो ही साल मेरा मारे जी थप्पड़, फिर जेब में ले गेर लिए जी, उन्होंने छीन लिया जी। अच्छा। मेरा फोन भी छीन लिया जी। था जी, हमें कंट्रोल की तरफ से वीटी मिली थी, भाई कोई लाडवे से कोई डंगरों का ट्रक आ रहा है, उसने नंबर लिखवाया था UP 11435, और जो कि कोई लाडवे से कोई गौ रक्षक को उठा कर ले आया है। और जैसे ही हमने नाकाबंदी लगाई और सामने से आता देखा, मैंने टॉर्च मार के देखा, नंबर वही था। उसके साथ ही 20-25 लड़के और आ गए, जो उसको ट्रक ड्राइवर को मारने लगे। फिर मैंने उसको उतार कर साइड में लगा के अपनी गाड़ी में बैठा लिया था ड्राइवर को। कोई ड्राइवर और पैसे लेने का भी रोप है जो लड़के थे सर? हाँ, ड्राइवर दो लड़कों पे आरोप लगा रहा है, कह रहा है एक ने मेरे से पहले गाड़ी रखवाई, दो जनों ने, एक ने 1000 रुपये लिए और एक ने 5000 रुपये लिए हैं मेरे से। और चलो उसका तो वेरीफाई करेंगे, झूठ है सच है, लेकिन वो ट्रक को हम सिटी थाने में ले आए हैं, बाकी जो मुनासिब कार्रवाई होगी अपना। नहीं, हमने देखा ही ना ट्रक में था कोई, ना ट्रक में कोई लेके आया है, या तो पीछे उतर गया, कैसे उतरा कैसे नहीं हो तो उसको पता है, लेकिन मौके पे कोई था, मौके पे अकेला ड्राइवर था, उसको हम यहाँ ले आए हैं। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट।